यहाँ चरखी दादरी में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी हर जगह के लोग आएंगे अपने पशुओं को लेकर, और जो अच्छे पशु होंगे, जिसकी अच्छी परवरिश की होगी, वो सरकार की तरफ से इनाम भी पाएंगे। और ये अंदर का चारों तरफ से मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ। यहाँ काफ़ी सारे कैबिन बना रखे, वीआईपी कैबिन। ऊपर ड्रोन भी आप देख सकते हैं, ड्रोन से नजर आए। ये उन्हीं कैबिनों में से एक कैबिन है जो यहाँ पशु मेला लग रहा है ना, उन्हीं कैबिनों में से एक कैबिन है। ये वीआईपी कैबिन है जो कि फुल्ली एसी है, और यहाँ काम चला हुआ है क्योंकि 11 से लेके 13 तारीख तक यहाँ इंटरनेशनल जो मेला है, पशु मेला, वो यहाँ चलेगा। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि जिसके पास में अच्छे अच्छे पशु हैं वो यहाँ पशु आएंगे और उनको इनाम मिलेगा। इनाम के अंदर में सारी चीज़ें मिलेंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से होंगी, और अंदर का जायजा करते हैं कि कैसा काम चला हुआ है। जो भी एसी कैबिन बने हुए हैं, और उन्हीं कैबिनों में से एक कैबिन है जो कि वीआईपी कैबिन है, जो कि एसी कैबिन है। लंबा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सच बता रहा हूँ, सोचित नहीं होगी कि यहाँ ऐसा काम खेत के अंदर में काम करते हैं, खेत के अंदर में ऐसा प्रोग्राम आपको मिल सकता है। अंदर करने के लिए काम चल रहा है। यहाँ अंदर फर्नीचर का काम चला हुआ है और होल सीलिंग चल रही है ऊपर, ये देखो चारों तरफ से। ये अभी अपने पर किताब लिए पर होल सीलिंग चल रहा है, उससे लकड़ी की काम चल रहा है। फर्नीचर लगातार यहाँ चल रहा है, लंबा प्रोजेक्ट है। आओ पशु को लेके और इनाम पाओ। ये जैसे अंदर खेतों के अंदर बना रखा है ना, ये जो बता रहा हूँ मैं अभी आपको, अब इसका जो वीआईपी कैबिन बना रखे, इसके अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं अंदर का क्या है। अंदर मेरे को देखते हैं कैसा क्या है, बड़ा ही लग रहा है। उत्तरी, ये तो लंबाई लंबाई प्रोजेक्ट है। ये देखो भाई, फोन बोल देगा खेत के अंदर में कर रखा है। देखो खेत के अंदर में है ये, देखो ये पशु मेले के अंदर में है, ये जो पशु मेला लगा हुआ चरखी दादरी में। तो भाई आओ, जिसके पास में अच्छा पशु है इनाम लेने आओ। ये देखो ये पशु मेले के अंदर में, चरखी दादरी पशु मेले के अंदर में। कौन बोल देगा कि ये खेत के अंदर इतना बड़ा जो कैबिन बना रखी है, ये वीआईपी कैबिन है। और भी काफ़ी कैबिन है, मैं आपको एक दो और दिखाऊंगा, सारे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत 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 बड़ा है ये। यहाँ किसी लोकल अधिकारी से बात करते हैं और पता करते हैं अभी। यहाँ ये काम चला हुआ ना, तो यहाँ से कट कट के अंदर काम चला हुआ है, ये सारा सामान इसी के लिए आया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पूछते हैं किसी से। अबाऊ जी नमस्कार जी, नमस्कार। जो ये जो मेला हो रहा है, किस बारे में हो रहा है, मतलब कि किसानों के हित में है, हित में है ये मेला है? किसानों को जी पशु बढ़ाने के हित में है। अच्छा, तो ये हरियाणा हरियाणा का है या फिर नहीं, कहाँ का भी आ सकता है, कहीं का भी किसान आ सकता है अपने पशुओं को लेके? तो पंजाब का, यूपी का, पंजाब का, यूपी का, राजस्थान का, कहाँ का भी आ सकता है। तो नहीं, पशुपालन। अच्छा, पशुपालक का। और जी कुछ मिलेगा किसानों को? हाँ मिलेगा जी, इनाम वगैरह रहेगा कुछ? हाँ इनाम मिलेगा। अच्छा अच्छा, चलो। कब कब का है जी ये? 11-12-13 तारीख का। 11-12-13 तारीख, 11 मार्च से लेके 13 मार्च तक। तो कुछ कहना चाहोगे आप किसानों को? हम ये कहना चाहूँगा जी, आप किसानों को आप पूछो, अच्छे पशु हैं उनको इनाम मिलेगा और बढ़ोतरी मिलेगी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया पशु। जी जी जी, धन्यवाद बहुत, धन्यवाद।
ये मेला कहाँ है उसके बारे में आपको मैं डिटेल दे देता हूँ। जब हम चरखी दादरी में, जब हम कॉलेज रोड से, जब हम महेंद्रगढ़ की तरफ जाते हैं, तो जाने के बाद जब लेफ्ट हैंड को चिड़िया मोड़ आता है तो वहाँ नहीं मुड़ना, हमें थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में गसोल्ला की तरफ रास्ता जाता है अपना, जो कि पक्का रास्ता बना दिया गया है। उस रास्ते पर जाने के बाद आगे जब जाएंगे तो वहाँ मिनी सेक्ट्रेट है, उसके सामने ये जो मेला बनाया गया है, और यहाँ अपने अपने अच्छे अच्छे पशुओं को, जिसकी अच्छी परवरिश की गई है, उन पशुओं को सम्मानित किया जाएगा और उनको इनाम भी दिया जाएगा। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, कहीं से भी आप जाकर अपने पशुओं को सम्मानित करवा सकते हैं और उनको मेले में ला सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बोल शंकर भगवान की जय।